मुखराम शर्मा ने जीता था कहानी श्रेणी में पहला फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्मों के पट कथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म 1909 में आज ही मेरठ में हुआ था। छोटी उम्र से ही लघु कहानियां लिखने लगे। 1939 में फिल्मों में मौके की तलाश में मुंबई गए। 1942 में मराठी फिल्म दाहा वाजता के गीत और संवाद लिखने का मौका मिला। फिल्म की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। 1955 में फिल्म औलाद के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी श्रेणी में पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वचन, साधना और तलाक कहानीकार उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं। जय हिंद, जय भारत।